तक भी जाना चाहूंगा डॉन स्टूडियो पहले कुछ पढ़ेंगे मैं जब रोल बोलूंगा सर ये लेना जो बोलेंगे भाई हाँ हाँ चलिए चलिए रोल एक एक सेकंड चलिए कहाँ चलिए चलिए सर चलो परम परम सुंदर मे सर जानना चाहूँगा महमूद भाई नया जॉन स्टूडियो का ये खोल रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह से आप अभिवादन देना चाहेंगे शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनको जॉन स्टूडियो आज गणपति उत्सव के बीच में सामने देखते इसका उद्घाटन हो रहा है तो इसके रास्ते में जो भी विघ्न बाधा आए भगवान गणपति गणेश जी सारी विघ्न बाधा दूर करके डॉन स्टूडियो अच्छा से व्यापार करें लाभ के साथ आगे बढ़ें और कभी इसके व्यापार लक्ष्मी वृद्धि में कोई विघ्न बाधा न आए इसलिए विघ्नेश्वर भगवान गणपति का हम लोग स्तुति गान किए क्योंकि डॉन स्टूडियो के रास्ते में कोई विघ्न बाधा न आए और इस सफलता के चरम उत्कर्ष पे जाए और हमेशा ऐसे वृद्धि करें नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करें और व्यापार की वृद्धि हो यश की वृद्धि लक्ष्मी कमाए और गणेश भगवान की कृपा बनी रहे और सबसे शुभ बात है कि गणपति में इसका उद्घाटन हो रहा है इससे शुभ और क्या कर सकते हैं भगवान गणेश की बहुत बड़ी कृपा है। सर आपसे बताइए इस बारे में किस तरह का माहौल चल रहा है क्या पूरा चल रहा है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम हम लोग गणेश का पूजा करते हैं अत्यंत हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि गोविंद की महिमामयी कृपा से गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में डॉन स्टूडियो का शुभारम्भ हो रहा है गणपति देश को इसके मंगल मंगलमय शुभकामना को उत्कर्ष के पहुँचाए इसको शिखर को जाते रहें थैंक यू जी चलिए हर मोबाइल का सीम उसका नाम है दवाना नॉनली वसी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा नसी सुनिए फेवरेट डायलॉग है कुल यासीम सी महमूद भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या मतलब प्रोफेशनल रिलेशन होने वाला आगे चल के महमूद भाई से मेरा भले प्रोफेशनल कोई रिलेशन ना हो एक फैमिली रिलेशन है जिसके तहत मैं हमेशा उनकी किसी भी शुभ काम में वो जो मुझे बुलाते हैं ये उनका बड़कपन है वो मुझे मानता है ये उसकी मानता है तो मुझे अच्छा लगता है उनके किसी फंक्शन में आके और एक तो महमूद साहब मेरे बहुत ही फेवरेट रह चुके हैं कॉमेडियन जो मेरे गुरु हैं उस्ताद हम सब कॉमेडियन के उस्ताद हैं महमूद भाईजान तो उनके नाम से इन्होंने अपना नाम रखा है तो कभी भी मैं मजाक में बोलता भी हूँ कि महमूद भाई अमूर रतन नूरा और महमूद भाई के पार्टी में जॉनी वॉकर पीऊँगा पूरा के पूरा तो ये हमारे महमूद भाई की खासियत है और आज 18 सितंबर बहुत ही अच्छा दिन है एक अच्छा शुभ घड़ी है और इस मौके पर ये अपने स्टूडियो का स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जैसे एक बजट वाले पुरुष जैसे बजट को लेकर चलते हैं फिल्म बनाने के लिए कि कम से कम बजट में कितना अच्छे से अच्छा काम लोगों तक पहुँचाया जाए तो ऐसी सुविधा नहीं थी लेकिन अब महमूद भाई के होने की वजह से मैं सारे अपने नए प्रोड्यूसर से और जो बजट फिल्म बनाते हैं चाहे रीजनल फिल्म हो या ओरिजिनल फिल्म हो कोई भी फिल्म हो उसको यहाँ पे आपके आप शूट कीजिए आपके बजट में काम होगा आपको बहुत प्रॉफिट होगा आपको बहुत हेल्प करेंगे महमूद भाई क्योंकि महमूद भाई खुद एक प्रोड्यूसर रह चुके हैं बजट प्रोड्यूसर रह चुके हैं उन्होंने OTT बनाई उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उनको सब पता है इस वजह से वो हर किसी का दर्द समझ सकते हैं और जो समझ सकता है सबका दर्द वही होता है मेरे नज़र में असली मर्द भाई पानी फेंक के मारो सादा वाले
शुरुआत है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं आगे, क्या क्या आपका प्लानिंग है और किस तरह सेटअप किया है, कुछ फैसिलिटीज के बारे में बताइए और कितना शुभ दिन मानते हैं आज का? नहीं, आज का शुभ दिन है, अभी मुझे पंडित जी ने बताया कि 6 बजे के बाद में अमृतकाल शुरू हुआ है और ये अमृतकाल पूरे साल में चंद मिनटों के लिए आता है, तो वो हमारी खुशकिस्मती है कि हम 4 बजे सोचे थे लेकिन 6 बजे शुरू हुआ। और रही बात, अच्छा ही होगा, हाँ जी, तो जो होता है ऊपर वाले के कर्म से अच्छा होता है और आप लोगों के सहयोग से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी है कि कहाँ से शुरू किया था, क्या क्या तकलीफें झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब मैंने डॉन सिनेमा शुरू किया तो मुझे लगता था कि यार इन हाउस बनाने के लिए, अपने प्रोडक्शन हाउस बनाने के लिए स्टूडियोज़ और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने वो एक शुरुआत की है कि अपना स्टूडियोज़ और अपना इक्विपमेंट लेकर आए ताकि बजट प्रोड्यूसर्स के लिए, हर आदमी आता है एक तो एक बजट लेकर आता है कि मेरे पास में यही बजट है और इसमें मुझे करना है, तो यहाँ पे वो फैसिलिटी दूंगा मैं आपको जो पूरे बॉम्बे में या पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी उस बजट में, ये मेरा प्रॉमिस है। और भाई के लिए मैंने अभी कहा कि भाई जब भी आप आएंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ हमारे चाहने वाले हैं जिनके साथ जो हमारे तकलीफ में खड़े रहे थे, हमारा वक्त आया तो हम उनके साथ खड़े। सर मीडिया के लिए, मीडिया के लिए, हाँ जी ऑफकोर्स, मीडिया वाले भाई, ये ग्रीन रूम आप लोगों के लिए बना है, आप आके एंटरटेनमेंट शूट कीजिए आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या है इसमें आपके स्टूडियो के बाद? अभी हमने 4 सेटअप डाले हैं, एक लॉकअप और पुलिस स्टेशन का पूरा सेटअप है, कोर्ट रूम का सेटअप है, पुलिस स्टेशन का सेटअप, अपना हॉस्पिटल का सेटअप है और एक क्रोमा सेट है जहाँ पे आपको कोई भी बैकग्राउंड बदल के करना है तो वो शूट कर सकते हैं, टॉक शूट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए छोटे स्पॉट शूट कर सकते हैं और रिहर्सल के लिए भी हमने फैसिलिटीज़ दी है कि अगर किसी को आके रिहर्सल करना है वो भी कर सकते हैं। कोरोना काल में पैसे नहीं है लोगों के पास, प्रोड्यूसर भी इतने पैसे नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें हल्की हो जाएंगी, हर चीज़ एक सबके नीचे मिलेगी। जी असल में मेरी जो ये शुरुआत करने के पीछे मकसद ही ये था कि जब हम डॉन सिनेमा शुरू किए तो लोग कहते थे कि सर एक बजट के तहत हमको बनाना पड़ता है और बनाने के लिए तो उस बजट में हमको लोकेशंस नहीं मिलते, तो ये लोकेशन के शुरुआत करने की वजह ये थी, एक तो खुद का है तो एक रेंट का रहता है सर के ऊपर कि हर महीना रेंट भरना पड़ेगा तो उसमें हमको निकालना है, तो खुद का है तो उसमें हमको तकलीफ नहीं आएगी, जितना भी हम प्रोड्यूसर को फैसिलिटीज़ देंगे उतना रिज़ल्ट हमको अच्छा मिलेगा। और कुछ कहना चाहेंगे? बस आप लोगों की दुआ चाहिए, सपोर्ट चाहिए और कुछ अनाउंसमेंट और है आज हमारे, वो आपके सामने अभी खोलेंगे एक वन बाय वन। थैंक यू सर, थैंक यू। JP भाई है, इनके एक्सपर्टीज़ है क्रिप्टो और NFT में, हम लोग डॉन सिनेमा के साथ में एक नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है वो हर दिशा में बढ़ रही है, तो एक नया चीज़ लेकर आए हुए हैं डॉन सिनेमा के साथ में JP भाई। JP भाई इसके बारे में टेक्निकली ज़्यादा बताएं। थैंक यू वेरी मच महमूद भाई, और एज ऑल ऑफ यू नो कि डॉन सिनेमा की शुरुआत एक स्टार्टअप की तरह हुई थी और उस स्टार्टअप पे बहुत कम अर्ली बैकर्स और अर्ली सपोर्टर्स थे। महमूद भाई ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि वी कैन इन्वेस्ट विद हिम और डॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सो जिसमें सबसे पहले वो इनोवेशन लेकर आए थे डॉन OTT, नाउ ही इज़ एक्सपांडिंग टू डॉन स्टूडियो, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द सेम। और जैसे आप जानते हैं कि OTT अभी एस्टैब्लिश हो चुका है तो एवरी टाइम इनोवेटर को कुछ ना कुछ नया लेकर आना पड़ता है, तो यह नया इनोवेशन जो आने वाला है इन द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड इज बीटिंग ब्लॉकचेन फाइनली, और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का एक NFT करके एक नया रिवोल्यूशन आया हुआ है। आप सबको पता ही होगा कि नॉन फंजिबल टोकन की जैसे ही शुरुआत वर्ल्ड में हुई, पेरिस हिल्टन से लेकर बहुत सारे फिल्मी और ग्लैमर वर्ल्ड ने उससे किया, तो अमिताभ बच्चन जी हु इज डेफिनेटली द महानायक और द मिलेनियम स्टार हैज ऑलरेडी लॉन्च इज NFT, सनी लियोन ने भी अपना NFT लॉन्च किया हुआ है, विशाल मल्होत्रा जी ने भी लॉन्च किया है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, हम इंडिया का और प्रोबेबली एशिया का पहला NFT स्टूडियो इन पार्टनरशिप विद डॉन सिनेमा यहाँ पर ओपन करने जा रहे हैं, तो आपको अपना अपना NFT अगर बनाना हो उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। NFT इज नॉट ओनली अबाउट शूटिंग, बेसिकली इट सॉल्व रॉयल्टी प्रॉब्लम, अनक्लेम रॉयल्टी प्रॉब्लम फॉर आर्टिस्ट। आज आप सबको पता है कि जो गाने की 1 बिलियन हिट्स होती है उस गाने की इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ऑलवेज ट्रस्ट इश्यू रहता है, जैसे कि दिस इज वाई आई एम हॉट करके एक सॉन्ग था US का, उस सॉन्ग की रॉयल्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगर सॉन्ग में उसको बहुत कम पैसे मिले हुए थे। ऐसे ही हर एक आर्टिस्ट, हर एक एक्टर, सिंगर या म्यूजिशियन अपने बिलोंगिंग जिसके ऊपर उनका रॉयल्टी है वो रॉयल्टी को NFT के जरिए टोकनाइज कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी का टोकन बन सकता है, उस टोकन को एक ओपन मार्केट प्लेस पे
डॉन की खुद की एक पोर्टल के ऊपर डाला जाएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होगा। तो कोरोना के टाइम में जब पूरी इंडस्ट्री को नए पैसों की जरूरत है तो देर विल बी अ टोकनाइजेशन ऑफ टाइम। आप अपना अपना टाइम पर आवर, पर सेशन, पर मंथ या पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो डॉन से, और आपको उसके बिटकॉइन, इथेरियम, BNB और एनी कॉइन इंडियन बैंक अकाउंट में सेटल होकर मिल जाएंगे। सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी अर्ली बैकर। मेरी कंपनी ब्लॉकॉन कैपिटल जो सिंगापुर से है, उन्होंने डॉन सिनेमा को एक फाइनल राउंड में इन्वेस्ट किया है एंड वी आर हैप्पी टू मैच दिस राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। आज ओपनिंग है महमूद भाई का डॉन स्टूडियो का, क्या कहना चाहेंगे इनके इनिशिएटिव के बारे में और कितनी खुशी मिल रही है आपको? महमूद भाई को और डॉन स्टूडियो को दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और दुआ करेंगे कि उसके लिए जो स्टूडियो खुला है, जिस पर्पस के लिए खुला है, उनके लिए अच्छे से अच्छा उनका बिजनेस हो और दिन रात चौगी तरक्की करें और डॉन स्टूडियो इसी तरह आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तहे दिल से इस नए मुकाम के ऊपर, नई सफलता के ऊपर हमारे साथ में है और एक अच्छी चीज़ हम इस मुंबई शहर में बन पा रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करेगी, जिसका नाम है डॉन स्टूडियो। जो महमूद भाई जो है ये हमारे परम मित्र है, वसीम के माध्यम से इनकी हमारी बहुत अच्छी पहचान हुई है और ये जब से इंडस्ट्री में है तब से हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया नया अच्छा अच्छा चीज़ लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी अभी इनके बेटे के बारे में बात की कि हम ये अक्सर चाहते कि इंडस्ट्री को नए चीज़ें मिले, नए लोग मिले, नई उत्पत्ति मिले। चलो स्टूडियो के बारे में अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास इतिहास है कि महबूब स्टूडियो का, हमारे पास इतिहास है कि आर के स्टूडियो का, पर उसके अलावा भी ऐसे टाइप के स्टूडियो है जिसकी ज़रूरत आवाम को ज़्यादा है, समाज को ज़्यादा है और ऐसे स्टूडियो इनके माध्यम से, इनके जितने भी चाहने वाले उनके माध्यम से यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं। इसके लिए मैं इनको तहे दिल से आप सब की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ स्पेशली, और आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि इस चीज़ को जितना अपने लोगों तक, इंडस्ट्री तक फैलाएं, इंडस्ट्री के चाहने वाले तो फैला सकते हैं, तो कृपा करके फैलाने की कोशिश करें। जैसे आप सब जानते हैं कि मैं इंडस्ट्री में हूँ लेकिन मैं मीडिया में भी हूँ, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं नेशनल इंटरनेशनल इसको पब्लिसिटी तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मेरा अपना परिवार है, उस परिवार के हिसाब से सोचकर आप भी परिवार समझ के इस चीज़ को जितना लोगों तक पहुंचा सकते उतना पहुंचाने के प्रयास कीजिएगा। और फिर एक बार इनको धन्यवाद, यहाँ उपस्थित सारे लोगों को धन्यवाद। और मुझे आज एक चीज़ और अच्छी लगी कि देखिए कि एक एक्टर होता है, एक्ट होता है, तो एक्ट इंसान के दिल से, रूह से निकलता है। तो जैसे सुनील पाल भाई का एंट्री हो गया, उन्होंने सबसे पहले लॉकअप को प्यार दिया, लॉकअप के अंदर गए और लॉकअप के अंदर उन्होंने अपना इंडिविजुअल वीडियो किया। मुझे लगता है वीडियो को बहुत लाइक मिलेगा, लोग उसको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि उन्होंने इस स्टूडियो को लेकर, इस स्टूडियो की एक अच्छी तरीके से एक सुंदर पहल किए और उस पहल के लिए भी उनको, उनका भी शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रिया को बताते हैं, खुशी हो रही है कि हम जैसे डॉन सिनेमा का एक्सपांड कर रहे हैं तो हमने डॉन सिनेमा की नई ऑफिस आसाम में खोली है और भाई ज़्यादा बता पाएंगे उसके बारे में। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्टर है उसके लिए महमूद भाई ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव किया है एंड मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ, राशिद भाई, सफीउल्ला भाई और सिंपल लोग और मेरे बिहार में, और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आई थिंक ये इनिशिएटिव हमारे हिंदी में बोला जाए तो सर्वोपरि है, क्योंकि आसाम के जो मिड लेवल और लोकल एप्स से कई गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आसाम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, जो बड़ा सोच पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे। और उम्मीद है कि ये जो भी हो पाया है ये सब मैं मुंबई के लिए हो पाया। और हमने एक वेब सीरीज भी बनाई है, राइटर जिसके डायरेक्टर हैं, और बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बनी है जो हम रिलीज़ करने वाले, जल्द अनाउंस करेंगे, ट्रेलर लॉन्च करेंगे और आसाम के ज़रिए, गुवाहाटी के ज़रिए हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वर्जिन जगह है, काफ़ी काम कर सकते हैं वहाँ पे उठने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच आपका सहयोग। उनके सोच को बड़ा करेगा। साथ में क्या कहना चाहेंगे डॉन स्टूडियो पहुंचे हैं आज मंच पर? सर प्लीज बोलिए, जरा सुनाइए जरा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे
वीडियो आ गया है। थैंक यू। एंड बहुत ज़्यादा पड़ गया। क्या रिंग? थैंक यू सो मच। जैसे कि आप वीडियो वगैरह बनाते हैं तो आप लोगों को कितनी हेल्प होगी इससे, स्टूडियो बनने से कितना फायदा होगा? अलग अलग लोकेशंस मिल जाएंगे शूट करने के, वीडियोस बनाने के लिए। महबूब भाई, क्या सोशल मीडिया के लिए आपने कुछ रखा है अंदर? डेफिनेटली, क्योंकि जब हमने डांस शुरू किया था तो आई वॉज द फर्स्ट जिसको सोशल मीडिया की वैल्यू समझ में आई थी। ये सोशल मीडिया की वजह से जितने, क्योंकि हमारे हाथ में OTT अगर हम मानते हैं तो फ़ोन के ऊपर सारा है गेम, और जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स हैं लाइक रीवा है और भी कई हैं, तो हमने पहले ही प्लान किया था। रीवा वॉज द फर्स्ट जो हमारे ऑफिस आई थी और हमारे ऑफिस में आके उन्होंने एक अपना वीडियो बनाया था जिससे काफ़ी हमें बेनिफिट्स मिले। तो सोशल मीडिया का और स्टूडियो का और OTT का ये आपस में लेना देना है, और इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे, स्टूडियो के लिए भी होंगे और आर्टिस्टों के लिए, लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ, जितने भी मेरे सोशल मीडिया के साथ में मेरे बच्चे हैं, इन लोगों के साथ में हमने काफ़ी काम किया है, तो हमको ऐसा लगता है कि जितना स्टूडियो की इनकी ज़रूरत है उतना ही इनकी स्टूडियो को ज़रूरत है। रिवा, आपके सोशल मीडिया की अगर बात करें, कितने एक्टिव हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हैं और क्या क्या करते हैं? बहुत सारे लोग हैं मेरी फैमिली में, बहुत सारे। क्या चीज़ आपकी ज़्यादा वायरल है, कौन सा ऐसी रिसेंटली, अभी अगर लेटेस्ट में बात करें, क्या वायरल है सबसे ज़्यादा वायरल? वैसे शी इज जस्ट हमारे लिए तो किड है, अभी भी बड़ी हो रही है, गुरु नौ खुली है हमारे। लेकिन मज़ेदार बताऊँगा, जो इनकी उम्र के हैं जो सबसे ज़्यादा फैन बेस है वो रीवा के ही है अब तक। और अच्छी बात ये है कि इनको लोग एज एन एक्ट्रेस भी जानते हैं, मॉम किया इन्होंने, उरी किया है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे जितनी एक्टिव ये है इस उम्र में, ताज्जुब है मुझे भी। मैं कभी कभी निशा जी से पूछता हूँ कि यार ये कैसे पॉसिबल होता है इतना एक्टिव होना, क्योंकि इनके यूट्यूब चैनल में बहुत वायरल हो रहे हैं, इनके इंस्टाग्राम के वीडियोस वायरल होते हैं, रील्स वायरल होती है। इन्होंने एक बड़ी कंपनी के साथ टाइप किया जिसके पास में इनको मंथली इनकम हो गई है। सो देर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग के सोशल मीडिया ने इनको दिया, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया को बहुत कुछ दिया। बोलना बहुत आसान होता है लेकिन इनकी मेहनत, हर दिन वीडियोस बनाना, हर दिन जाके उसके लिए मेहनत करना, फिर उसको एडिट करना, और शी इज़ द वन जो इस उम्र में एडिट कर लेती है। मतलब सारे, इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहती कि मम्मी आप बाहर चले जाओ, मैं खुद शूट करके मैं अपना एडिट करके पोस्ट कर दूँगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थैंक यू सर, थैंक यू रीवा जी। सर, ये डॉन स्टूडियो के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपकमिंग बच्चों के लिए, नए जनरेशन के लिए, और इसका क्या मैसेज है? देखिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये वीडियो, ये जो स्टूडियोज़ खोलने की वजह ये थी, एक रूम मैंने एक्स्ट्रा रखा है जो सिर्फ वीडियोज़ बनाने के लिए, जो जो बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो यहाँ आके अपने वीडियोज़ बना सकते हैं, जिसमें हम बिल्कुल पैसे चार्ज नहीं करेंगे। उनके साथ में लाइट, कैमरा, स्टूडियो, AC, एवरीथिंग इज़ फ्री। किसी भी हिडन चार्जेस नहीं लेंगे कि हम ऐसा है, और ये भी नहीं बोलेंगे कि आप डॉन को प्रमोट कीजिए। डेफिनेटली जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो बोलना नहीं पड़ता है कि डॉन को प्रमोट करना है। रीवा ने जहाँ जहाँ मौका मिला, जब जब मौका मिला, मैं रहूँ नहीं रहूँ, दूर रहूँ, तो भी इन्होंने डॉन को प्रमोट किया है। तो इसलिए जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो एक तरफा नहीं जुड़ते, दोनों तरफा जुड़ते हैं। जब हम दो कदम चलते हैं तो सामने वाला 10 कदम चलता है। थैंक यू। फोटो ले लो। आपका नाम? शाबाज। क्या कहना चाहेंगे डॉन स्टूडियो? सबसे पहले आपसे बात करते हैं डॉन स्टूडियो के बारे में। डॉन स्टूडियो अभी फ़िलहाल ओपन हुआ है, तो मतलब जो भी मतलब स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं जिसको मतलब मौका नहीं मिल पाता आगे बढ़ने का, तो डॉन स्टूडियो ऐसा है जो सबको मौका देगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपके लिए कुछ खास एक मील का पत्थर साबित हुआ है? अभी तो ओपन हुआ है, महमूद भाई ने ओपन किया है, तो फिर हमें भी हेल्प होगी इसके वजह से। आपको लॉन्च किया जा रहा है, आपके पास आपको लॉन्च कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रोजेक्ट को लेकर? आप सुनेंगे या महबूब भाई बताएंगे? महबूब भाई क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ये स्टूडियो खोलने की वजह ये थी कि जब हम शूट करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है एक आर्टिस्ट को, यहाँ आके कॉन्फिडेंस मिलेगा रियल लोकेशंस पे आके रियल टीम के साथ में, तो हम लोगों ने जब भाई जैसे आए हैं वैसे कई लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं और उनको ये कहेंगे भाई आप अपनी चीज़ लेकर आए, हम शूट करेंगे और उसके साथ में हम रिलीज करने का वादा करें। आज हमारे पास में प्लेटफॉर्म है, आज हमारे पास स्टूडियो है, इक्विपमेंट है, तो बहुत जल्द हम अपना एडिटिंग सेटअप भी लेकर आ रहे हैं। तो ऊपर वाले ने चाहा तो हम एक आर्टिस्ट को जितनी रिक्वायरमेंट होती है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, फिर एक बार वो रम जाता है कैमरे के सामने खेलना शुरू करता है तो फिर वो रम जाता है, फिर उसको फिर हम स्टार्टअप की ज़रूरत है, तो वो स्टार्टअप हम देंगे बाकी ऊपर वाले। इनको लेकर कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप? इंशाल्लाह भाई वो एक तारीख को अनाउंस करने वाले हैं और बहुत बड़े लेवल पर करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहोगे? आप बहुत अच्छे सिंगर हैं रेहान भाई और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, तो एक दो अपने म्यूजिक के अंदाज में तेरा हूँ तेरा रहूँगा सदा, अपने दिल में मुझको जरा सी दे जगा, तेरा हूँ तेरा रहूँगा सदा, अपने दिल में मुझको जरा सी दे जगा। थैंक यू सर, थैंक यू वाला।